खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित हुए हैं। अनुशासनहीनता और बयानबाजी के चलते कार्रवाई की गई है। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ये बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं। और देखिए, वजह जो सामने आ रही है, वजह है अनुशासनहीनता और बयानबाजी, और इसी वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी दें आपको, यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर इस संदेश देते हुए नजर आ रही है कि अनुशासनहीनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरह से देखिए, उनके द्वारा तमाम बयान दिए गए थे और उनकी इन्हीं बयानबाजी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और अनुशासनहीनता और बयानबाजी के चलते कार्रवाई हुई। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा ये फैसला किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश डांगी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, जिसको लेकर कांग्रेस गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हुई। उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाई है, उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एक प्रस्ताव भेजा था अनुशासनहीनता और अन्य शिकायतों के चलते। तो आज कांग्रेस हाईकमान ने एक्शन लिया और पार्टी से 6 साल के लिए उन्हें बाहर का जो रास्ता है वो यहाँ पर दिखा दिया गया है। यानी अनुशासनहीनता की जो गाज है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम पर गिरी है। और राम मंदिर के जो उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्विटर पर ट्वीटियां कर रहे थे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया और इसको घोर अनुशासनहीनता की कैटेगरी में मानते हुए उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया और 6 साल से पार्टी से निष्कासित उन्हें कर दिया गया। दिनेश, यानी कि साफ तौर पर समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी एक साफ संदेश देना चाहती है बाकी मंत्रियों को भी, बाकी नेताओं को भी, कि भाई अगर इस तरह से आप बयानबाजी देंगे या फिर अनुशासनहीनता देखने को मिलेगी तो आपके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, पार्टी ने इसको अनुशासनहीनता मानी है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम है वो लगातार ट्विटर पर पार्टी के खिलाफ लिख रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि पार्टी ने थोड़ी सी देरी से उनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो किसी तरह का नुकसान पार्टी को नहीं हो, तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल के तहत उनके खिलाफ यहां पर एक्शन लिया। और ये देखा जा रहा था, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी लगातार कह रहे थे कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। और आखिरकार जो एक पार्टी का प्रोसीजर होता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए थे, लिहाजा पहले वहां से प्रस्ताव लिया गया और उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अब से थोड़ी देर पहले उनके निष्कासन के जो ऑर्डर है वो रिलीज किए हैं। बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।